ब्राह्मण किसे कहते हैं खान पान से तिलक चोटी से जनेऊ से इससे तो ब्राह्मण नहीं हो सकता तो ब्राह्मण किसे कहते हैं पता तो है बोलो तो आर समाजियों में बैठा हूं भाँच 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 जो भाँच भाँच क्या क्या भाई देखो एक तो ब्राह्मण की परिभाषा इन्होंने बता दी पढ़ना पढ़ाना वेद का पढ़ना पढ़ाना और का करना कराना दान लेना और दान देना, जो ये काम करता हो उसे ब्राह्मण कहते हैं इसी बात को और थोड़ा सा गहरे से समझ लो कि ब्राह्मण किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा और इसे थोड़ा और बढ़ाकर थोड़ा और व्याख्यात करके कह देता हूं देखो ब्राह्मण किसे कहते हैं? ध्यान से सुना चार बातें ध्यान में रखना पहला जो वेद के शब्द को जानता हो पहला क्या कहा जो वेद के अरे चोटी जनेऊ वाला बालक सीधा बैठ तू ध्यान से सुनना आप जाओ पहला वाला मैंने क्या कहा जो वेद के शब्द को जानता हो और दूसरा है जो उस शब्द के अर्थ को जानता हो तीसरा जो शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध को जानता हो और चौथा जो इस संबंध से उत्पन्न व्यवहार को यथावत जानता हो उसे क्या कहते हैं ब्राह्मण कहते हैं चार बातें हो गई पहला सुनो जो वेद का शब्द जाने उस शब्द का अर्थ जाने अर्थ और शब्द का संबंध जाने और चौथा इसका व्यवहार यथावत जानता हो उसे ब्राह्मण कहते हैं बात समझ में आई उसे ब्राह्मण कहते हैं जो इन चार बातों को अच्छे से जानता हो और जो इन चार बातों को अच्छे से नहीं जानता उसे ब्राह्मण नहीं कहते जैसे उदाहरण देता हूं अभी ये राम भद्राचार्य जी का प्रकरण चल रहा है राम भद्राचार्य जी ने अथर्व वेद के एक मंत्र को उठाया जो सामवेद के उत्तरार्चिक में भी मिलता है भद्रो भद्रया सच मान करके मंत्र है इसमें उन्होंने कहा भद्र भगवान राम और भद्रा मां भगवती सीता कौन से व्याकरण से बनाया भाई कौन से व्याकरण से बनाया किस तरह तुमने भद्र अर्थ राम ले लिया अरे भद्र संसार के किसी भी सज्जन पुरुष को कह सकते हैं अगर सामान्य अर्थ में देखो हालांकि यहां भद्रकार्थ यह नहीं है यहां भद्रकार्थ यह है नहीं लेकिन भद्र का अर्थ तुमने राम कैसे कर लिया और भद्रया का अर्थ सीता कैसे कर लिया यह अर्थ का अनर्थ करने वाले केवल चर्म चक्षु से अंधे नहीं यह अपनी विद्या के चक्षुओं से भी अंधे हैं इन्हें बुद्धि है ही नहीं यह बुद्धि से भी अंधे बैठे हैं इनमें योग्यता है ही नहीं योग्यता होती तो उल्टे सीधे अर्थ न किए होते अरे ऋषि दयानंद का भाषा न मानो तो तुम तो सायण का भाष्य मानते हो सायन का भाष्य उठाकर पढ़ लो कि भद्र का अर्थ सायण ने क्या किया है भद्रया का अर्थ सायण ने क्या किया है सचमान का अर्थ सायण ने क्या किया है तुम सायण को मानने वाले लोग सायण को भी नहीं मानते अपनी व्याख्याएं दे रहे हो अरे सामान्य कवियों के पाठ बदल दिए तुमने रामचरित मानस के पाठ बदल दिए तुमने तुलसीदास जी के पाठ बदल डाले अब तुम वेद का पाठ बदलने पर आ गए वेद का पाठ नहीं बदल पाओगे वेद को कंठ में सुरक्षित रखा गया है आज भी इस देश में वेद पाठी लोग रहते हैं और ये वेद पाठी विद्यार्थी ये वेद पाठी बटुक ब्रह्मचारी और विद्वान वेद को अपने कंठ में सुरक्षित रखते हैं वेद को सुरक्षित रखने की एक निश्चित प्रणाली है वेद को सुरक्षित रखने की प्रणाली प्रकृति पाठ और विकृति पाठ प्रकृति पाठ में क्रम पाठ पद पाठ संहिता पाठ विकृति पाठ में ध्वजा पाठ शिका पाठ रुचि पाठ घन पाठ जटा पाठ आदि आदि करके और फिर प्रकारांतर से अठारह प्रकार के हो जाते हैं इस प्रकार वेद को सुरक्षित रखा गया है एक एकमात्र अभी घटने बढ़ने से आगे का वेद बचने वाला नहीं है इसलिए वेद सुरक्षित है उसका एक मंत्र तुम बिगाड़ नहीं कर सकते लेकिन मूरख जो शब्द को ही न जाने क्या उसे ब्राह्मण कहोगे बोलो जो वेद का शब्द ही न जाने क्या वो ब्राह्मण होगा और अर्थ भी ना जाने वो वो तो बिल्कुल ब्राह्मण नहीं होगा भैया ये तो और बड़ी बात हो गई और इससे बड़ी बात हो गई जो शब्द और अर्थ के संबंध को भी समझता हो शब्द और अर्थ के संबंध को कैसे समझना कुछ भाष्य किए हैं मैं बता नहीं सकता माताएं बैठी हैं माताएं छोड़ दो पुरुषों के बीच में नहीं कहा जा सकता महीधर ने भाष्य किए हैं वेद के इतने अश्लील भाष्य किए हैं कि आप पढ़ नहीं सकते हो मैं कह नहीं सकता और तुम सुन नहीं सकते इतने अश्लील भाष्य किए हैं सायन ने भी अर्थ किए हैं, सायण के किए अर्थों को पूरी दुनिया के लोग मानते भी लेकिन सायन के किए अर्थों में भी कितना बिगाड़ है ध्यान से सुनो सायन कहता है अष्टापति गह आलंभनिया इसका अर्थ करते हुए कहता है आठ पैरों वाली गाय को काटकर हवन में डालने से यजमान स्वर्ग को जाता है आठ पैर वाली गाय यानी गर्भवती गाय चार इसके अपने और चार इसके पेट में पल रहे शिशु के कितने हो गए आठ कहता है इसी गाय के टुकड़े टुकड़े करके उसे हवन में डाल दो तो सीधे स्वर्ग को जाओगे बोलो ये ब्राह्मण है बोलो ये ब्राह्मण है लेकिन एक और ब्राह्मण इस देश में पैदा हुआ और वो कहता है अष्टापति गौ आलंबनिया का अर्थ है यहां गौ का अर्थ वाणी है आठ प्रकार के आभूषणों से युक्त वाणी को बोलने पर जीवन में सुख बढ़ता है किसके साथ कैसे बोलना है जब तक तुम ये नहीं जानोगे वाणी को कैसे बोलना है किस किस तरह से उसका उपयोग करना है यह नहीं जानोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख नहीं दुख होगा चारों ओर दुखी दुख होगा ये भाष्य किया ऋषि दयानंद सरस्वती ने ऋषि दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे कि नहीं बोलो हाँ बोलो ब्राह्मण थे कि नहीं थे ऋषि दयानंद ब्राह्मण थे कैसा ब्राह्मण था ध्यान से सुनो ऐसा ब्राह्मण था कि दुनिया सम्मान करती थी काशी शास्त्रार्थ में जिस समय ऋषि दयानंद पहुंचे तो काशी शास्त्रार्थ में पहले उन्होंने जाकर उपदेश प्रारंभ कर दिए असल में बात यूं थी काशी वालों ने तो अपनी श्यामत खाम, खाम बुला ली उनसे दयानंद का कोई ज्यादा कुछ था नहीं लेना देना ऋषि दयानंद फरूखाबाद में थे फरुखाबाद में ऋषि दयानंद प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये ये चीजें वेद में नहीं है तो एक व्यक्ति बोला जी वेद में है उन्होंने कहा नहीं है कहा काशी के विद्वान कहते हैं कहा भाई काशी के विद्वान ऐसा कह ही नहीं सकते स्वामी दयानंद सरस्वती को विश्वास था उन्होंने कहा काशी के विद्वान ऐसा नहीं कह सकते व्यक्ति भी पक्का था काशी पहुंचा और किसी एक विद्वान से पत्र लिखवा लाया उसने कहा देखो काशी के पंडितों ने लिख कर दिया है कि वेद में जिसका तुम खंडन करते हो वो है बस भैया शामत बुलाली ट्रैक्टर फरूखाबाद को जोड़ के काशी की तरफ मुड़ गया और स्वामी दयानंद सरस्वती काशी जा पहुंचे और फिर उस काशी को जैसे ऋषि दयानंद ने अपनी उंगलियों पर उछाला है वो सारी दुनिया जानती है ऋषि दयानंद ने काशी में अपने प्रवचनों की झड़ी लगा दी और उस झड़ी के बाद सामान्य प्रजा ही नहीं प्रजा की लंबी चौड़ी भीड़ लगने लगी उस भीड़ से पूरी काशी के पंडितों में एक, एक भय फैल गया और यह भय केवल वहीं तक नहीं रुका ये राजा ईश्वरी नारायण तक पहुंचा वहां एक भूमिहार राजा थे ईश्वरी नारायण राजा ईश्वरी नारायण को जब पता चला कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसने तिलक त्रिपुंड मूर्ति आदि सबका भयंकर खंडन कर रखा है और उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता तब राजा ईश्वरी नारायण ने अपना पहला दांव फेंका और पहला दांव होता है धन का लालच का उसने पहला दांव फेंका राजा ईश्वरी नारायण ने स्वामी दयानंद सरस्वती के पास अपना दूत भेजा यहां से योग्यता देखना स्वामी दयानंद सरस्वती की कितनी है यह दूत बताता है स्वामी दयानंद सरस्वती की कितनी योग्यता है यह दूत जब स्वामी दयानंद सरस्वती के पास गया उस समय राजा ईश्वरी नारायण की एक अच्छी बात भी थी अच्छी बात यह थी वो विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे बहुत सम्मान करते थे जो भी विद्वान होता था उसे पांच या दस रुपए प्रति मास की वृत्ति दी जाती थी आपको पांच दस रुपए कम लग रहे होंगे कम लग रहे होंगे जिस तेजी से रुपये का अवमूल्यन हुआ है ये मानो कि उस समय पांच लाख रुपए से लेकर दस लाख रुपए तक प्रति मास उन पंडितों को दिया जाता था और रेशमी पालकियों में हाथियों पर बैठकर चलते थे उस पांच और दस रुपए से दूध स्वामी दयानंद सरस्वती के पास पहुंचा वृत्ति सुनो कितनी कहा कहा तुम्हें तो सौ रुपए प्रति मास की वृत्ति दी जाएगी यहां से योग्यता का आकलन करना स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या योग्यता रही होगी इतनी वृत्ति देने के लिए राजा ने मुझे भेजा है स्वामी जी मैं आपको वृत्ति देने आया हूं तो स्वामी जी बोले वृत्ति किस लिए कहा आपके लिए बोले मैं क्या करूंगा इस धन का कहा वस्त्र बोले देखता नहीं नंगा रहता हूं लंगोट बांधते थे मैं कपड़े ही नहीं पहनता भैया मैं तेरे धन का क्या करूंगा बोले महाराज रहते तो हो बोले पेड़ के नीचे कोई खर्चा नहीं पेड़ के नीचे रहता हूं कोई खर्च नहीं आता बोले रे कुछ खाते तो होंगे कहा सन्यासी हूं दो घरों से भिक्षा मांगता हूं मिल जाती है तो प्रसन्नता से भोजन करता हूं भिक्षा नहीं मिलती तो सोचता हूं आज ईश्वर ने मेरे लिए उपवास का दिन चुना है उस दिन उपवास रखता हूं मुझे तेरे भोजन की कोई आवश्यकता नहीं मुझे तेरे धन की कोई आवश्यकता नहीं है वृत्ति इसका क्या करूं कहा उन हीन ही लोगों में बांट जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है उनके पास इस वृत्ति को लेकर जा जिनके पास कपड़ा नहीं है उनके पास लेकर जा जो इस देश में तेरे राजा के राज्य में दीनहीन ही अवस्था में जीते हैं यह धन उनके काम का है मेरे लिए इस धन का कोई मूल्य नहीं है दूध चल पड़ा उसे रोक कर बोले रुक बात समझ में आ गई बोले हाँ आ गई बोले पर दूसरी भी आई कि नहीं जो इस धन के पीछे तू लेकर आया था और मैंने तुझे समझाई है वो भी समझ में आ गई कि नहीं आ गई दयानंद डिगने वाला नहीं है जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा और इसी तरह चलता रहा बंधुओं ये दयानंद था ये व्यक्ति जो तलवारों के सामने नहीं झुका एक क्षत्रिय ने इसके सामने ले जाकर तलवार रख दी और कहता है गर्दन सर धड़ से अलग कर दूंगा अगर तुमने मूर्ति पूजा का खंडन किया तो दयानंद ने कहा मैं सन्यासी हूं मेरा इन हथियारों से कोई काम नहीं है लेकिन बंधु डरता नहीं उसकी मूठ पकड़ी और जरा सा दबाव दिया तलवार के दो टुकड़े हो गए बोले बल का परिचय तो तुझे मिल गया होगा अब मानसिक बल का परिचय ले कि तू मेरा सर अभी काट दे या कल काट ले मुझ पर इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जो सत्य है वही कहूंगा इसे कहते हैं ब्राह्मण यह ब्राह्मण होता है यह ब्राह्मण कहलाता है अब एक बात बताओ फिर से सुनो वेद का शब्द अर्थ संबंध और व्यवहार को यथावत जानने वाले को क्या कहते हैं बोलो अब, अब, अब हाथ हाँ। हाँ। खड़े करो कितने ब्राह्मण बैठे हैं यहां अच्छा बताओ पूरे गाजियाबाद में मिल जाएगा मिल जाएगा अरे भैया ढूंढो तो पूरे भारत भर में अगर चार ब्राह्मण भी आपको मिल जाए तो दिवाली मनाना दिवाली क्या ब्राह्मण मिल गए ब्राह्मण तो होता ही नहीं है ब्राह्मण हुआ करते थे आजकल ब्राह्मण